वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि लोग टैंकरों से पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने तोशाम में स्टेडियम बनाने की भी मांग की। मेरे इलाके तोशाम के अंदर बहुत जबरदस्त पानी की किल्लत है, त्राई त्राई हो रही है। लोग जो है टैंकरों से पानी पी रहे हैं और जो है महीने के आखिरी में 1200-1100 रुपए जो है हर एक आदमी को जेब के देने पड़ रहे हैं, जब आप जानते हो कितनी महंगाई की मार है और एक मूलभूत सुविधा जैसे पानी है वो नहीं मिल रहा है। ये सारे गांव मैं गिनवा देती हूँ आपको, मालवास, कोहाड़, खारियावास, चैनपुरा, देवावास, सिधान, खावा, गारनपुर, कला, भारीवास, चनाना, दिनोद, बजीना, छपार, जोगियान, धानी, भलाना, अलगपुरा, किरावड़, खानक, भुटाना, खावा, ढानी, बेरान, खानक, किरावड़, अलगपुरा फिर से और बजीना, ढानी, सारी की सारी ये जो है सिडान, गारनपुरा, कला, साथ की साथ स्टेडियम्स के लिए मैं 20 बारी बोल चुकी हूँ यहाँ पे इसी सदन के ऊपर कि हमारे स्टेडियम के लिए पैसे दे चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं बने हैं, देवराला, गोलागढ़ और भानगढ़ में और सालेवाला में। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं ये कहूंगी कि इनको फटाफट बनाया जाए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।